अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। अभी आपने लिविंग थिंग्स का लेसन पढ़ा और उसके लेसन जितना हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो आपने अपनी नोटबुक पे करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न रेडी योर पैटर्न ऑन योर नोटबुक। टुडे इज़ थर्सडे एंड डेट इज़ 15 अप्रैल 2021। क्लास वर्क एंड साइंस बोथ साइड्स पे आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मार्जिन लाइन से फिर आपने कोई भी वर्ड जो है बाहर नहीं निकालना, ठीक है। यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव। व्हाट व्हाट के प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, जो आपके लिप्स के जो मूवमेंट है वो राउंड गोल शेप में आएगी। व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और आपको अच्छे से याद होगा, अभी कुछ देर पहले जब हमारा रीडिंग सेगमेंट चल रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि तमाम जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स, उनको जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। और अर्थ एक वाहिद प्लेनेट है जिसके ऊपर पानी और गैस, ये ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ठीक है। अभी इसका आंसर उसी से पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव। तमाम जानदार चीज़ों को जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव। लिव का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ऑल का मतलब तमाम, लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जानदार चीज़ें, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और वाटर मीन्स पानी और ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन गैस का नाम है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव। तमाम जानदार चीज़ों को या तमाम लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। और इस क्वेश्चन को आपने अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।